हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, अपेरेंटली बहुत जगह पूछा भी जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली जो इसका आंसर नहीं दे पाता उनको काफ़ी जज किया जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और मेरा प्लान ये है कि नॉट ओनली मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा इसके बारे में, बट मैं साथ ही साथ आपको पाइथन का कोड लिख के भी दिखाऊंगा कि इसको टेस्ट कैसे किया जाता है पाइथन में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर आप कभी भी गूगल करोगे या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे ऑन दिस टॉपिक अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, तो आपको अलग अलग अजम्पशंस मिलेंगे, 5, 6, 7 कुछ भी अजम्पशंस मिलेंगे। बट ये जो 5 अजम्पशंस मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं ना, यही सबसे मेन 5 अजम्पशंस हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला अजम्पशन है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सेकंड इज नो मल्टीकोलिनैरिटी। थर्ड इज नॉर्मैलिटी ऑफ रेसिडुअल। फोर्थ इज होमोस्केडास्टिसिटी एंड द फिफ्थ वन इज नो ऑटोकोरिलेशन इन द एरर्स। सो यही 5 अजम्पशंस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और मैंने प्लान किया है कि नॉट ओनली मैं आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगा ये सारे अजम्पशंस, बट साथ ही साथ कोड के थ्रू मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो या चेक कर सकते हो इन अजम्पशंस को। इनफैक्ट एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ। सो मैंने एक कोड पहले से लिख रखा है, दिस इज द कोड, जहां पे मेरे पास एक डेटा सेट है जो मैंने खुद से काइंड ऑफ बनाया है, जहां पे 3 इनपुट फीचर्स हैं और 1 आपका आउटपुट है, और मैंने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया है इस डेटा के ऊपर, ठीक है। सेम फ्लो है, एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट किया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है और इस स्टेप में मैंने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया है, ठीक है। और अब जब एक बार इस डेटा के ऊपर मैंने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया है, अब मैं आपको ये 5 अजम्पशंस एक एक करके टेस्ट करके दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अजम्पशन। लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए जो सबसे पहला अजम्पशन आपको चाहिए है वो ये है कि आपके डेटा में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब आपका जो इनपुट वेरिएबल है और जो आपका आउटपुट टारगेट है उसके बीच में एक लीनियर या सॉर्ट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख जाएगा। सो अगर आप ये पहला वाला ग्राफ देखो तो यू कैन सी कि आप एक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा लीनियरली वाई का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, सॉर्ट ऑफ लीनियर है। अगर आप सेकंड वाला देखो तो सेकंड वाले में क्या है कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये घट रहा है, तो ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है, बट देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप। वेर एज अगर आप थर्ड वाले पे देखो तो दिस इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप, ये थोड़ा स्क्वायर्ड रिलेशनशिप लग रहा है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये वाला दुगनी स्पीड से बढ़ेगा। तो जो पहला अजम्पशन है वो ये है कि आपका जो इनपुट कॉलम है उसका आउटपुट कॉलम के साथ रिलेशनशिप शुड बी नॉर्मल, लीनियर। अब मान लो अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट कॉलम्स हैं तो क्या होगा, तो भी क्या होना चाहिए कि आपका हर इनपुट का आउटपुट के साथ जो रिलेशनशिप है वो लीनियर ही होना चाहिए। मतलब जब आप ये ग्राफ ड्रॉ करो एक्स वन और वाई के बीच में तो वो सॉर्ट ऑफ लीनियर होना चाहिए, जब आप वाई और एक्स टू के बीच में करो तो भी वो सॉर्ट ऑफ लीनियर ही होना चाहिए। तो आपका ये जो अजम्पशन है ये आपके हर सिंगल इनपुट कॉलम के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर मैं आपको हमारे डेटा सेट में दिखाऊं, ये जो हमारा डेटा सेट है, मैंने क्या किया, मैंने लीनियर रिलेशनशिप के लिए सारे के सारे फीचर्स का टारगेट के साथ स्कैटर प्लॉट प्लॉट किया एंड यू कैन सी ये रहा मेरा स्कैटर प्लॉट तीनों कॉलम्स के लिए। सो मेरा फीचर वन तो क्लियरली लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है। फीचर टू के बारे में हम उतना श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली ये लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं। फीचर थ्री के बारे में मैं फिर भी थोड़ा श्योर हूं कि लीनियर रिलेशनशिप है, ऑल्दो फर्स्ट वाले फीचर के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, बट देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप। तो यहां पर ये ग्राफ्स आप प्लॉट करके तुरंत पता कर सकते हो कि आपके हर इनपुट कॉलम का आउटपुट कॉलम के साथ जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है या नहीं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। जो हमारा सेकेंड अजम्पशन है वो ये है कि आपके सिस्टम में कोई भी मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होना चाहिए। अब आई एम श्योर आपको मल्टी कोलिनियरिटी के बारे में पता होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है कि अगर आपके पास एक डेटा है, मान लो हमारे पास ऐसा डेटा है जहां पे एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री हमारे इनपुट कॉलम्स हैं और वाई हमारा टारगेट कॉलम है आउटपुट है, तो हमारा एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, विच मीन्स
ये तीनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करने चाहिए। अगर इनके बीच में कोरिलेशन है तो उसी को बोला जाता है मल्टी कोलिनियरिटी। मतलब अगर एक्स वन के बढ़ाने से एक्स टू में भी चेंजेस आते हैं देन दिस इज अ सिनेरियो ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी और ये नहीं होना चाहिए। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है मल्टी कोलिनियरिटी से, क्या प्रॉब्लम है? तो मैं आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। लीनियर रिग्रेशन जब आप परफॉर्म करते हो तो आप बेसिकली एक हाइपरप्लेन ड्रॉ करते हो जितना डायमेंशनल आपका डेटा है। सो अगर आपके पास थ्री डायमेंशनल डेटा है तो आप एक 3D हाइपरप्लेन, 3D एज इन तीन डायमेंशन का हाइपरप्लेन ड्रॉ कर रहे हो जो आप इस तरीके से निकालोगे y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री। सो जो लीनियर रिग्रेशन हो रहा है उसका मेन काम है ये कोफिशियंट्स निकालना, बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू और बीटा टू और बीटा थ्री। ठीक है, अब बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री जो है ये है क्या? मैं आपको पहले बीटा वन के बारे में बताता हूँ कि बीटा वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बीटा वन एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स वन में थोड़ा सा चेंज करने पे वाई में कितने चेंजेस होंगे, अज्यूमिंग एक्स टू और एक्स थ्री कॉन्स्टेंट है। ठीक है, फिर से एक बार सुनना, बी टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स टू में थोड़े से चेंजेस करने पे वाई में कितने चेंजेस होंगे अज्यूमिंग एक्स वन और एक्स थ्री कॉन्स्टेंट हो। तो आपका काम है ये बीटा वन, बीटा टू और बीटा थ्री निकालना। बट सोचो अगर एक्स वन और एक्स थ्री को रिलेटेड हो, मतलब एक्स वन में चेंजेस करने से एक्स थ्री भी चेंज होने लग जाए, तो हमारा जो अजम्पशन है वो सही नहीं रहा। हमारा अजम्पशन क्या था, बीटा वन इज वॉट, इट इज द फैक्टर विथ विच वाई विल चेंज व्हेन यू विल चेंज एक्स वन, अज्यूमिंग एक्स टू एंड एक्स थ्री आर कॉन्स्टेंट। बट एक्स वन को चेंज करोगे तो एक्स थ्री कॉन्स्टेंट रहेगा ही नहीं बिकॉज दे आर कोरिलेटेड। तो दैट इज वाई मल्टी कोलिनियरिटी इज इंपॉर्टेंट। एक और अच्छे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि लीनियर रिग्रेशन के केस में मल्टी कोलिनियरिटी क्यों खराब चीज है। किसी ने एक अच्छा एग्जाम्पल लिखा था इंटरनेट पे कहीं कि मान लो दो साइंटिस्ट मिल करके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हमें ये इवैल्यूएट करना है कि दोनों में, मतलब दोनों का कितना कंट्रीब्यूशन रहा उस प्रोजेक्ट को बनाने में। अब अगर हम ये देखें, अगर हम ये माने कि दोनों साइंटिस्ट बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब एक बंदा एकदम फिजिक्स में काम करता है, एक बंदा केमिस्ट्री में काम करता है, तो हम इजिली इवैल्यूएट कर सकते हैं दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन। बट अगर वो दोनों एकदम आइडेंटिकल स्किल सेट के बंदे हैं, मतलब दोनों फिजिक्स ही जानते हैं, तो फिर हमें ये निकाल पाना कि किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है वो मुश्किल हो जाता है। यही सेम प्रॉब्लम होती है लीनियर रिग्रेशन में अगर आपके सिस्टम में मल्टी कोलिनियरिटी हो, दैट इज वाई उसको अवॉइड करना चाहिए। तो अब मैं आपको जल्दी से पहले दिखा देता हूँ कि आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि आपके सिस्टम में मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं है यूजिंग पाइथन। सो मल्टी कोलिनियरिटी निकालने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका तो सबको पता ही है, VIF, वेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर आप निकाल दो। अगर रिजल्ट्स वन के आसपास आ रहे हैं सभी कॉलम्स के लिए तो आपके सिस्टम में मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है, और फाइव या फाइव से ऊपर जा रहा है तो आपके सिस्टम में मल्टी कोलिनियरिटी है। तो मैंने वही किया, मैंने स्टैट्स मॉडल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, उसके अंदर से वेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर को इंपोर्ट किया, और मैंने क्या किया अपने पूरे एक्स ट्रेन के ऊपर जितने भी कॉलम्स थे लूप में मैंने VIF कैलकुलेट कर लिया, और ये रहा मेरे तीनों फीचर्स का VIF। एंड यू कैन सी तीनों फीचर्स का जो VIF है वो वन के अराउंड है, इट शोज कि आपका मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है। अगर इनमें से किसी भी फीचर में पांच या पांच से ज्यादा आ रहा होता तो हमारे उस पर्टिकुलर फीचर को हमें हटाना पड़ता, क्योंकि वो फीचर जो काम कर रहा है वो बाकी लोग मिलके कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है। एक और टेक्निक जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं, वो ये है कि आप अपने सारे इनपुट कॉलम्स के बीच में आप कोरिलेशन निकाल दो। ठीक है, लाइक दिस, मैंने कोर फंक्शन को कॉल करके कोरिलेशन निकाल दिया और मैंने हीट मैप से उसको प्लॉट कर दिया, एंड यू कैन सी दिस इज द हीट मैप जहाँ पे आप किसी भी डायगनल के नीचे वाले पार्ट, बेसिकली आपको इन तीन चीजों पे फोकस करना है, इन तीन नंबर्स पे, फीचर थ्री का फीचर वन के साथ कोरिलेशन, फीचर वन का फीचर टू के साथ कोरिलेशन, फीचर टू का फीचर थ्री के साथ कोरिलेशन, आपको ये तीनों देखना है। एंड यू कैन सी इन तीनों का ही वैल्यू बहुत कम है इस स्पेक्ट्रम में, अगर आप देखो तो बहुत ही कम है, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि तीनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो बहुत कम है, तो मल्टी कोलिनियरिटी होने का चांस भी बहुत कम है। ऑल्दो आपको पहले वाला टेक्निक यूज करना चाहिए, बट नीचे वाला टेक्निक आपको थोड़ा आइडिया दे देगा कि मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो जो हमारे अगले तीनों अजम्पशंस हैं वो रेजिड्यूअल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, रेजिड्यूअल्स या फिर एरर्स आप बोल सकते हो। तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि लीनियर रिग्रेशन के केस में रेजिड्यूअल या एरर क्या होता है। सो लीनियर रिग्रेशन में आप करते क्या हो कि आपके पास एक इनपुट कॉलम होता है और एक आउटपुट कॉलम होता है, और डेटा कुछ ऐसा है जैसे यहाँ पे ब्लू पॉइंट्स है, और आपका काम होता है एक लीनियर रिग्रेशन लाइन प्लॉट करना जो उस डेटा को बेस्ट फिट करता है। ये हम सभी को पता है। अब होगा क्या कि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए वाई वैल्यू क्या होना चाहिए। ये पर्टिकुलर एक्स के लिए डेटा में तो वाई वैल्यू ये था, बट आपका प्रिडिक्शन ये है, ठीक है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर एक्स के लिए ये एक्चुअल वाई है और ये आपका प्रिडिक्शन है। सो होगा क्या कि ये जो आपकी लीनियर रिग्रेशन वाली लाइन है ये फॉर एवरी एक्स एक आउटपुट देगी वाई, जिसको आप उसके ओरिजिनल वाई के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसी को बोला जाता है एरर या रेजिडुअल। तो हमारे जो अगले तीनों अजम्पशंस हैं वो इन रेजिडुअल्स या फिर एरर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दैट इज वाई मैंने क्या किया है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जब मैंने अपने मॉडल को ट्रेन किया है तो मैंने सबसे पहले वाई प्रेड निकाला है, और वाई प्रेड को मैंने वाई टेस्ट से माइनस कर दिया तो मुझे मेरे रेजिडुअल्स मिल गए। फॉर एवरी टेस्ट पॉइंट मैंने ये डिफरेंस निकाल लिया तो मेरे पास रेजिडुअल्स हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड अजम्पशन का। थर्ड अजम्पशन ये बोलता है कि जब आप प्रिडिक्शंस करते हो तो जो आपका एरर आता है जिसको आप रेजिडुअल बोल रहे हो, अगर आप उसको प्लॉट करो तो इट शुड बी नॉर्मल, ठीक है। मतलब मीन शुड बी क्लोज टू जीरो, और ज्यादातर वैल्यूज जीरो के आसपास हो और कुछ वैल्यूज जीरो से ज्यादा दूर हो, ठीक है। बेसिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए आपका एरर। अब ये पता करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधे सीधे केडी प्लॉट कर लो पीडीएफ, या फिर आप क्यू क्यू प्लॉट का भी हेल्प ले सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये करना कैसे है। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको रेजिड्यूअल कैलकुलेट कर लेना है फॉर एवरी टेस्ट पॉइंट, और उसके बाद आप बहुत सिंपली सीबॉन को यूज करके डिस प्लॉट प्लॉट कर सकते हो। एंड यू कैन सी हमारे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड यू कैन सी कि एक छोटा सा बंप है यहाँ पे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो पूरी तरीके से परफेक्ट तो नहीं है, बट हमारा अजम्पशन होल्ड कर पा रहा है, ठीक है। सेकेंड तरीका है कि आप क्यू क्यू प्लॉट ड्रॉ कर लो, और क्यू क्यू प्लॉट जब आप ड्रॉ करोगे अपने रेजिडुअल्स के ऊपर तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के आसपास होने चाहिए। परफेक्ट अगर होगा तो पूरे लाइन के ऊपर ही आएंगे, बट ये भी अपना चलेगा। इस तरह का ग्राफ देख के भी आप कह सकते हो कि हमारा जो थर्ड अजम्पशन है कि हमारे जो एरर्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। हमारा अजम्पशन नंबर फोर है होमोस्किडास्टिसिटी, ठीक है। टंग ट्विस्टर है, बोलने में काफी परेशानी होती है, बट यस इट इज एन इम्पॉर्टेंट अजम्पशन। सबसे पहले स्टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टर्म का क्या मतलब है? होमो का मतलब होता है सेम, स्किडास्टिसिटी का मतलब है स्प्रेड या स्कैटर। सो इन अ वे इसका मतलब हुआ हैविंग द सेम स्कैटर, ओके। अब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब बहुत सिंपल है, ये भी रेजिडुअल से रिलेटेड है। इस अजम्पशन का मतलब है कि जब आप अपने रेजिडुअल्स को प्लॉट करते हो तो उसका जो स्प्रेड है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। अगर वो इक्वल नहीं है तो उसको बोला जाता है हेट्रोस्किडास्टिसिटी, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसको? बहुत सिंपल है। आप क्या करते हो, आप अपने प्रिडिक्शन को एक्स एक्सिस पे रखते हो और अपने रेजिडुअल्स को वाई एक्सिस पे रखते हो, और आप एक स्कैटर प्लॉट प्लॉट करते हो, और बोला जाता है कि ये जो स्कैटर प्लॉट आप प्लॉट कर रहे हो इट शुड बी लाइक इसका जो स्कैटर है वो बहुत यूनिफॉर्म होना चाहिए, पूरे लेंथ पे होना चाहिए और किसी एक तरफ झुका नहीं होना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे यहां पर देखो, ये एग्जांपल है होमोस्कैडास्टिसिटी का, ठीक है। यहाँ पर यू कैन सी कि जो स्प्रेड है वो होमोजीनियस है थ्रू आउट द एक्स एक्सिस, पूरे एक्स एक्सिस पे जो स्प्रेड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। वेर एज सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे होमोस्किडास्टिसिटी नहीं है क्योंकि स्प्रेड को देखो किस तरीके से वेरी कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सी, या फिर आप ये देख सकते हो,
तो अगर आपने कभी ये प्लॉट बनाया और आपको इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपका लीनियर रिग्रेशन का ये इंपॉर्टेंट अजम्पशन होल्ड नहीं करेगा। योर ग्राफ शुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये सेम ग्राफ भी मैंने प्लॉट किया है, लेट मी शो इट टू यू। ये रहा मेरा ग्राफ, एक्स एक्सिस पे वाई प्रेड, वाई एक्सिस पे रेजिडुअल, एंड यू कैन सी कोई एग्जैक्ट फनल टाइप का पैटर्न नहीं बन रहा है, मोस्टली स्प्रेड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो पूरी तरीके से तो नहीं, बट येस आई कैन से कि होमोस्केडास्टिसिटी का जो अजम्पशन है वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं हमारे लास्ट अजम्पशन पे, जो कि है नो ऑटो कोरिलेशन ऑफ एरर। अगेन एरर का मतलब रेजिडुअल। सो यहाँ पे फंडा बहुत सिंपल है कि अगर आप अपने सारे रेजिडुअल वैल्यूज को प्लॉट करो तो कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, जब आप इसको प्लॉट कर रहे हो तो एक पैटर्न बन रहा है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, जो कि डिजायरेबल नहीं है। हमारा कुछ ऐसा आना चाहिए, इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, विच मीन्स कि देर इज नो रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो रेजिडुअल को निकाला है उसको बेसिकली प्लॉट कर दो, और अगर आपको इस तरह का कुछ भी जिगजैग दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब सब ठीक है, आपका जो रेजिडुअल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, देर इज नो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, विच मीन्स आपका प्रिंसिपल, आपका जो अजम्पशन है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यही है गाइज आपके पांच अजम्पशंस जो आपको याद रखने हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला अजम्पशन है कि आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में देयर शुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप, पॉजिटिव लीनियर नेगेटिव लीनियर दोनों चलेगा। सेकेंड पॉइंट इज मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब आपके दो इनपुट कॉलम्स के बीच में किसी भी टाइप का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, आपके सारे इनपुट कॉलम्स शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो थर्ड पॉइंट है वो है नॉर्मैलिटी ऑफ रेजिडुअल, आपके जो सारे एरर्स हैं उनको जब आप प्लॉट करो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए या सॉर्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर फोर इज होमोस्केडास्टिसिटी, विच मीन्स कि आप जब अपने एरर्स को प्लॉट करते हो तो उनका जो स्प्रेड है इट शुड बी इक्वल, ठीक है, होमोजीनियस होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर शुड नॉट बी एनी ऑटो कोरिलेशन इन योर एरर्स। ठीक है, नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन होना चाहिए, बेसिकली आप जब एरर टर्म्स को प्लॉट करो तो कोई पैटर्न उभर के नहीं आना चाहिए। आई होप आपको ये पांचों अजम्पशंस क्लियर हो गए। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आया और चीज़ें समझ में आई तो कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।